इससे पहले हम लोग जो देखे वहाँ क्या था कि SHM के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वह वीडियो नंबर 1 में मिलेगा। उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट, SHM में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको वीडियो नंबर 2 में मिलेगा, और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 3 में मिलेगा। और आज जो हम लोग हेडिंग देने जा रहे हैं वह वीडियो नंबर 4 बनेगा, और उस वीडियो नंबर 4 में आपको एक्सप्रेशन ऑफ SHM, एक्सप्रेशन ऑफ SHM देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो नंबर 4 पर हम लोग को थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए करना है कि वीडियो नंबर 4 में हम लोग कंक्लूड भी करेंगे क्या कि वीडियो नंबर 2 में जो डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग, वेलोसिटी में चेंजिंग, वीडियो नंबर 3 में और वीडियो नंबर 4 में एक्सेलरेशन में चेंजिंग, इस सब का रिलेशन जो है वह इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नया वीडियो लेके मैं के कुंवर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। ये नया वीडियो जो इसका हेडिंग है वीडियो नंबर 4 एक्सप्रेशन ऑफ SHM, ठीक है। तो लोग शुरू करें। y इक्वल्स a साइन ओमेगा t, इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल्स a साइन ओमेगा t, दैट इज y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा t हम जानते ही हैं हार्मोनिक मोशन का। तो ये जो है आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया गया, आप सॉरी सेकंड वीडियो में, ये सेकंड वीडियो में है, सेकंड वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं डालना है, सीधा आल्फा फिजिक्स के बाद अब ऑसिलेटरी मोशन का वीडियो नंबर 2। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग With respect to t, we have, तो ये क्या होगा, dy upon dt equals a sin omega t का differentiation, dy dt sin omega t। उसके बाद फिर से differentiation, डिप्रिसिएशन अब इसका होगा, ये पार्ट जब हो गया तब दूसरा इसका होगा, ओमेगा का डी वाई डी टी ओमेगा टी, ये आपका डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग डी वाई बाई डी टी, ये चूंकि क्या है डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी होता है, तो वी इक्वल्स हो गया ए, इसको डिफरेंशिएट यदि करते हैं हम लोग ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी और ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा कांस्टेंट होने के कारण ओमेगा बाहर आ गया और यहाँ आ गया डी बाई डी टी और टी, तो ओमेगा और ये जो है ये 1 हो गया, तो ये आपका हो गया 1 ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी है तो यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये हो गया आपको ओमेगा, ठीक है। ये आपको इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 को यदि डिटेल्स जानना है तो वो आपको वीडियो नंबर 3 में वेलोसिटी उसमें डालना है, आवा फिजिक्स में और ऑसिलेटरी मोशन और वीडियो नंबर 3 वेलोसिटी ऑफ SHM, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी हैव, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को,
तो डीवी बाय डीटी ए ओमेगा और ये साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, सॉरी ये कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, जो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो ए ओमेगा तो रहेगा ही रहेगा, ये जो है अब आएगा कॉस ओमेगा टी से यहाँ पर सबसे पहले आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन देखिए डी वाई डी टी कॉस ओमेगा टी और फिर होगा डी वाई डी टी ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का तो ऊपर हम दिखाए दिए हैं, तो इसको देखिए कॉस ओमेगा टी का होगा साइन ओमेगा टी और कॉस का माइनस होगा तो माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा। अब इसको देखिए क्या हो गया आपके पास ए ओमेगा ओमेगा दोनों मिलके होगा ए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। अभी तक हम ये देखें अब ओमेगा स्क्वायर को बाहर करते हैं माइनस साइन के साथ, यहाँ अंदर क्या बचेगा ए साइन ओमेगा टी। तो डीवी बाय डीटी दिस इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये जो है आपको यहाँ देखिए ये इक्वेशन नंबर वन में क्या है वाई है तो एक्सेलरेशन इक्वल्स हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक ये हो गया। तो देखिए ये पहला, इसे हम क्या तय करेंगे कि एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम होगा और कहां मिनिमम होगा, इसको इक्वेशन नंबर टू। फिर ये जो एक्सेलरेशन का ये फॉर्म है इसको भी हम लोग लिख लें, माइनस ये ओमेगा स्क्वायर फिर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब ये क्या हुआ, ये माइनस साइन यहाँ से गायब हो गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए क्वाड्रेंट हम बनाते हैं, इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस। अब यहाँ पर देखिए ये क्या, ये जीरो, ये पाई बाय टू, ये पाई और ये थ्री पाई बाय टू और ये टू पाई। अब देखिए ओमेगा टी प्लस पाई है, इसका मतलब इसमें आ रहे हैं, ये इसमें आ गया, यहाँ कहीं होगा। तो ओमेगा टी प्लस पाई जब हो गया तो ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में तो साइन निगेटिव होगा, इसलिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई जो है इसका वैल्यू यहाँ जो माइनस था वह गायब हो गया, ये हो गया। तो ओमेगा इसलिए हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई इक्वल्स हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, ये हो गया, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आया। अब देखिए इक्वेशन इसको थ्री मान लेता हूं, कंपेयर करना है तो डिफरेंट वे में फिर अब कंपेयर हम यदि यहां देखते हैं डिस्प्लेसमेंट से करते हैं, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, इस दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का क्या है ओमेगा टी, हम देख लीजिए ये आपका ओमेगा टी है और इसका ओमेगा टी प्लस पाई, तो फेज डिफरेंस क्या होगा ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी, क्या हो गया पाई हो गया।
पाई का मतलब जस्ट अपोजिट मूवमेंट होता है। तो यहां हम लोग देखें वन बाय वन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट ये बताता है, ये डिस्प्लेसमेंट बताता है कि ये जीरो जब है, t इक्वल जीरो जब है तो डिस्प्लेसमेंट भी जो है y इक्वल भी जीरो है। ठीक है, अब यदि हम इसका इसको हम एक्सलेशन का लेंगे, तो एक्सलेशन का यदि लेंगे तो पाई का फेज डिफरेंस है ये, तो पाई का मतलब ये ऊपर जा रहा है, दे दीजिए आएगा, अब यहां क्या देखिएगा, तो यहां देखिए ये हाँ ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये पार्ट इसका डिस्प्लेसमेंट का ऊपर है। टेंजेंट यदि ड्रॉ करेंगे, फेज क्या बताता है, पोजीशन एंड डायरेक्शन दोनों बताता है फेज, तो डिस्प्लेसमेंट का ऊपर हो रहा है इस पॉइंट पर, तो एक्सेलरेशन पर यदि टेंजेंट खींचेंगे तो ये नीचे हो गया, तो दोनों के बीच एंगल जो हो गया वो क्या हो गया, 90 डिग्री। ऐसे यदि कोई है तो एंगल क्या होगा, 180। ये ऊपर नीचे दोनों के बीच एंगल हो गया 180 सब जगह। यहां भी यदि देखिएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसका डिस्प्लेसमेंट का ऊपर एक्सेलरेशन लाल वाला से है, तो लाल वाला नीचे देखिए। ठीक है, तो यहां पर भी ये ऊपर इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो इस टेंजेंट इसका देखिए यहाँ और यहाँ दोनों के बीच एंगल 180। ठीक है, यहाँ भी देखिए दोनों के बीच एंगल जो है, इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ देखिए, तो ये हो गया आपका एक्सलेरेशन का और ये हो गया दोनों के बीच एंगल, देखिए तो सब जगह हम क्या देखेंगे, दोनों के बीच जो हमारा ये होगा फेज डिफरेंस होगा वह 180। ये क्या होगा, यहां से ऊपर जाएगा, यहां यहां ये भी देखेंगे इसको, तो देखिए ये ऊपर जा रहा और ये जो है ये एक ऊपर जा रहा है, तो दूसरा क्या हो रहा है, नीचे आएगा, है ना, तो देखिए दोनों के बीच एंगल 180 का। यहां पर भी एक ऊपर जा रहा है और दूसरा जो है वह नीचे आ रहा है, तो 180 का हो गया। तो इस तरह से ये हो गया आपका फेज का। अब वेलोसिटी के बीच फेज डिफरेंस देखें, तो वेलोसिटी के बीच फेज डिफरेंस भी देख लेते हैं हम लोग, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी आपका क्या हो गया, तो इसी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, ये ओमेगा टी है और ये क्या है, ओमेगा टी, और साइन के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा, साइन के फॉर्म में यदि इसी को लाएंगे, देखिए ये कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी को ये वेलोसिटी का यहाँ लेते हैं, तो कॉस ओमेगा टी जो लाएंगे, कॉस ओमेगा टी इक्वल्स होगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, हो गया।
अब देखिए और यहाँ क्या है, ये ओमेगा टी प्लस पाई, दोनों में ओमेगा टी प्लस पाई, ये एक्सलरेशन का है, ओमेगा टी प्लस पाई एक्सलरेशन का, माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा पाई बाई टू, ओमेगा कैंसिल, ये क्या हो गया पाई बाई टू, तो ये आपका पाई बाई टू हो गया। तो दोनों में फेज डिफरेंस किसका आया, तो पाई बाई टू का। तो अब वेलोसिटी का यदि देखेंगे तो यहां पर वेलोसिटी को देखिए, यहां वेलोसिटी को यदि हम लोग देखते हैं ब्लैक से, तो वेलोसिटी ऐसे आएगा, है ना। और ये क्या है, यहां से देखिए रेड से इसको भी मैं दिखा रहा हूं, तो यहां तक देखिए, यहां पर ये फिर ये क्या कर रहा है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम, थोड़ा सा इसके बाद देखिए, यहां मैक्सिमम तो ये मिनिमम, फिर यहां ये मिनिमम तो यहां ही मैक्सिमम, ठीक है। फिर यहां यहां से देखिए, ये ऐसे आएगा, फिर यहां देखिए मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये डॉटेड लाइन में दिखा दिया और क्लियर हो जाए, तो रेड के साथ डॉट, तो ये देखिए अंतर ये है, यहाँ पाई का, यहाँ भी पाई का, सॉरी ये पाई बाई टू, यहाँ भी 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 पाई बाई टू, ठीक है। तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस यहाँ। तो अब हम लोग आगे बढ़े हैं, हम लोग देखेंगे कि फेज डिफरेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब ये देखेंगे कहां ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और कहां एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, इसको देखते हैं। फेज डिफरेंस का काम खत्म, फेज डिफरेंस के बाद आते हैं हम लोग कि अब कहां मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, इसलिए गौर कीजिएगा, ये लंबा में लिया हूं थोड़ा सा, समझने में बच्चे को अच्छा हो, तो ये मीन पोजीशन ले लिया, मीन मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन को एक और नाम देते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये भी हो गया। अब यहां देखिए एक्सेलरेशन क्या, वाई, वाई जीरो, ये जीरो हो गया, वाई जीरो एक्सेलरेशन भी जीरो है ना। तो जैसे ही यहां वाई जीरो दीजिएगा तो एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन वाई इक्वल जीरो क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन भी हो जाएगा जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन वाई इक्वल से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा ओमेगा स्क्वायर ए, क्या होगा ये मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये मैक्स। देखिए यहां एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां मैक्सिमम हो गया ठीक है, और वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग और देखेंगे क्या कि अब इसमें रिलेशन सब में कैसे होगा। फेज का हम लोगों ने देख ही लिया है, फेज के बाद हम लोग देखेंगे और रिलेशन क्या होगा। रिलेशंस में आप देखिएगा कि टेबलर फॉर्म यहां पर लेते हैं y इक्वल्स p ओमेगा cos ओमेगा t, वेलोसिटी का वेलोसिटी इक्वल्स एक्सेलरेशन इक्वल्स एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ये तीन इक्वेशन आपके पास है, इसके आधार पर आप देखते हैं फेज में क्या क्या रिलेशन है। यहां फेज ले लेते हैं हम लोग, फेज के बाद ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया एक्सेलरेशन। फेज जीरो लेते हैं, जीरो लेते हैं तो ये देखिए एट मीन पोजीशन जीरो हो गया तो मीन पोजीशन हो गया, तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट का वाई इक्वल्स ए साइन, फिर यदि यहां लेते हैं तो मेन पोजीशन पर ये जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो हो गया, तो यहां जीरो हो गया, दिस ये जीरो पर ये डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। और एक्सेलरेशन का भी देखें, एक्सेलरेशन भी जो हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन भी है ओमेगा स्क्वायर वाई, तो वाई जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, दो चीज जीरो। लेकिन वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी क्या हो गया ए ओमेगा और कॉस जीरो, यदि लेंगे फेज जीरो लेते हैं तो ये क्या हो गया कॉस जीरो वन, तो ए ओमेगा, तो यहाँ ये मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन से आगे निकले पाई बाय टू, पाई बाय टू पर हम लोग देखते हैं पाई बाय टू कौन हो गया, यहाँ जीरो होता है तो यहाँ पर जब आते हैं तो ये पाई बाय टू हो गया, पाई बाय टू दैट इज एक्सट्रीम भी हो जाता है, फेज के टर्म में ये पाई बाय टू हो गया। तो पाई बाय टू को यदि देखिएगा तो पाई बाय टू जैसे ही साइन में देंगे तो
साइन यहां पर देखिए पाई बाय टू हो गया, साइन पाई बाय टू हो गया, तो साइन पाई बाय टू क्या हो गया वन, तो ये हो गया ए, तो वाई हो गया ए, और जब वाई ए हो गया तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये पाई बाय टू कहाँ होगा एक्सट्रीम, ये भी जान लीजिए, ये हो गया एक्सट्रीम पोजिशन पर, तो एक्सट्रीम देखिए मैग्नीट्यूड की यहां तक बात है तो मैग्नीट्यूड में ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन का एक ही जा रहा है। यहां देखिए इसको हम लोग देखें तो ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड जो है वह मैग्नीट्यूड का टर्म यदि लेते हैं मैग्नीट्यूड का टर्म तो दोनों मैक्सिमम है, एक्सट्रीम में ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम, दोनों मैक्सिमम अब एक्सट्रीम पर यहां देखते हैं कॉस जो है वह क्या हो गया आपका पाई बाय टू, तो कॉस पाई बाय टू जीरो होता इसलिए जीरो हो गया। ये क्या हुआ एक्सट्रीम पर ये मिनिमम हो गया। तो अब सबको देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा ए, वेलोसिटी हमारा जीरो, एक्सलेरेशन हमारा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड, उसके बाद पाई, पाई यदि हम देखेंगे फिर तो पाई, जैसे ही पाई देंगे तो देखो ये क्या हो गया पाई देंगे तो ये क्या हो गया जीरो, तो यहां पर फिर पाई के बाद पाई जैसे दिए तो पाई के बाद साइन पाई जीरो होता है तो ये हो गया जीरो, तो वाई हो गया जीरो, जब वाई जीरो हो गया तो एक्सलेरेशन भी हो गया जीरो, वाई जीरो तो ये भी जीरो। अब वेलोसिटी जो है वह क्या है ए ओमेगा और कॉस पाई, तो कॉस पाई क्या होता है माइनस वन, तो कॉस पाई यहां पर ये जीरो, कॉस पाई माइनस वन हो गया तो ये हम माइनस ए ओमेगा हो गया। पहले प्लस ए ओमेगा था ये माइनस ए ओमेगा, ठीक है। अब थ्री पाई बाय टू पर ये y क्या हो गया फिर मैक्सिमम होगा, थ्री पाई बाय टू लेते हैं y इक्वल्स थ्री पाई बाय टू, ये थ्री पाई बाय टू जैसे हो गया तो ये क्या हो गया थ्री पाई बाय टू पाई का उल्टा डेट इज थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन माइनस ए, माइनस का यदि देखते हैं तो ये माइनस होगा तो यहां पर यदि निगेटिव साइन देते तो ये क्या होता ओमेगा स्क्वायर ए प्लस हो जाता माइनस, तो यदि निगेटिव साइन के साथ लेंगे तो ये एक बार माइनस हुआ तो देखिए ये भी थोड़ा सा चलिए साइन के साथ ले तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो गया, ये माइनस ए हो गया तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी ले लेते हैं, और यहाँ पर थ्री पाई बाय टू कॉस थ्री पाई बाय टू जैसे ही लेंगे तो ये जीरो होगा, फिर टू पाई लेते हैं तो ये टू पाई जैसे ही लेंगे तो टू पाई जैसे ही लेंगे तो फिर ये जीरो होगा। और ये जीरो मींस एक्सलेरेशन भी जीरो, और इसके बाद ये क्या होगा टू पाई, ये जब कॉस टू पाई होगा तो फिर जीरो ए ओमेगा ये हो गया। तो ये डेवलप फॉर्म में हम लोगों ने देखा,
तो यहाँ देखिए ये जीरो, यहाँ पर दोनों एक दूसरे का अपोजिट भी मैं दिखा दिया, यहाँ पर ए मैक्सिमम तो ये माइनस है, यहाँ पर वेलोसिटी यदि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इससे क्या क्या कंक्लूजन हमको मिला? पहला कंक्लूजन ये है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सलरेशन जो है वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया। दूसरा कंक्लूजन है कि वेलोसिटी जो है ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा से ऊपर और नीचे, मतलब जो अभी हम लोग फेज देखे उस फेज से ये रिलेटेड। तो ये आपका एक्सलरेशन का डिटेल्स आप लोगों ने देखा, इसको एंजॉय कीजिए और मजा लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू।